हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो नोटिफिकेशंस रिलीज हुई है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, जिसके लिए एलिजिबल हैं अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट डिफरेंट पोस्ट के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये बेसिकली कंबाइंड वैकेंसीज है, पाइपलाइन और रिफाइनरीज डिविजन्स के वैकेंसीज को कंबाइंड करके तब नोटिफिकेशंस को रिलीज किया गया है। तो ऐसे में अगर आपके पास कोर्स के साथ साथ है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं रिफाइनरीज डिवीजन में। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है यानी कि आप फ्रेशर हैं, तो आप लोग पाइपलाइन डिवीजन में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th ITI डिप्लोमा PSC किया है तो आप सभी के लिए नोटिफिकेशंस है। तो एक बार आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अच्छे से पढ़ करके अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर देख सकते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए सुटेबल फिट हैं और उसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई फॉर्म का अभी भी जारी है, 21 अगस्त से पहले फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा सा मौका है। खास करके अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके पास बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जितना वैकेंसी आया है उतना लोगों के पास कह सकते हैं कि कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस नहीं है उस तादाद में, यानी कि आपके पास कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। अगर आप तुलना करेंगे SSC MTS के एग्जामिनेशन से, अगर आप तुलना करेंगे RRB यानी कि रेलवे के NTPC एग्जामिनेशन से, तो उससे तो कई गुना कम है इसमें बेसिकली आपका कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि यहां पर कंपटीशन पहले ही कम हो गया कि एक्सपीरियंस जिसको नहीं है वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने टाइम ही एक्सपीरियंस मांगी जा रही है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, और नहीं है तो भी अप्लाई कर दीजिए। तो किसमें? पाइपलाइन डिवीजन में, और एक्सपीरियंस है तो रिफाइनरीज डिवीजन में। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक बातें जो आप सभी को पता थी पहले, और जो जो नए कैंडिडेट, नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे पहली बार पधारे हैं उनके लिए मैंने ये सभी जानकारी दे दी। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे, क्या बातें करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, यानी कि सिलेक्शंस में ये कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखिए, हमारे पिछले जो वैकेंसीज आए हुए थे, पिछले स्टूडेंट ने भी जो प्रीवियस ईयर के वैकेंसीज थे उसमें भी हमारे कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन को दिया था और कुछ बच्चे सेलेक्टेड भी हुए हैं, तो उस आधार पे हमारे कैंडिडेट का, बच्चों का कहना है कि बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, और बेसिकली वो अच्छे से करके जाएं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उनसे बातें करके जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लगता है वो आप सभी के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन इस वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले 2-3 बातें आप सभी से शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी को मैं बेसिकली अपना दोस्त मानता हूं, अपना मतलब बेसिकली सब कुछ मानता हूं। तो ध्यान से समझिएगा चीजों को, कुछ अराजक तत्व यानी कि निगेटिव स्टूडेंट भी आ जाते हैं, निगेटिव वर्स भी आते हैं जो हमारे वीडियोस में नेगेटिव कमेंट को करते हैं। तो इनफैक्ट उनके जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि मैं मैक्सिमम टाइम तो कमेंट पढ़ ही नहीं पाता हूं आप सभी का। कहेंगे सर क्यों? क्योंकि इसके लिए कमेंट सेक्शंस का रिप्लाई देने के लिए या फिर कमेंट को डिलीट करने के लिए वो हमारे पास टीम है, तो वही देखती है आपके कमेंट को और वही रिप्लाई करती है और वही बेसिकली आपके कमेंट को डिलीट भी कर देती है। तो कभी-कभी मेरा नजर पड़ जाता है आप सभी के नेगेटिव कमेंट पे, तो थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, आप कमेंट निगेटिव करें या पॉजिटिव करें, YouTube का कम्युनिटी गाइडलाइंस यही कहता है कि अगर कमेंट उमेंट हो रहा है, व्यूज आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है व्यूवर्स सारा एक्टिव व्यूवर्स है। तो यानी कि आप किसी भी तरह से निगेटिव आप मुझे करेंगे तो मैं पॉजिटिव ही हो रहा हूं। ठीक है, तो इस वजह से अपना समय को बर्बाद नहीं करें, और साथ ही साथ अगर आप निगेटिव कॉमेंट को करते हैं हमारे वीडियोज में, तो उसके लिए स्पेशल टीम बैठी हुई है हमारे पास जो कॉमेंट को डिलीट करती है सिर्फ आपके निगेटिव कॉमेंट को, और आपके ID को ब्लॉक करती है। तो आप काहे उनके जॉब में उनको प्रमोशन दिला रहे हैं? अगर आप दिलाना चाहते हैं तो ऐसी तरह से लिखते रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इनका और अच्छा से प्रमोशंस होगा, इनके लिए एक जॉब क्रिएट कर रहे हैं, और अपना सबसे बड़ा काम अपना समय का बर्बादी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बस इतना ही मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा। बाद बाकी ओपन प्लेटफॉर्म है, लिखने को तो प्रधानमंत्री जी को भी लिख देता है बहुत सारे आदमी कुछ भी कमेंट में, है ना, और भी बहुत कुछ किसी को भी लिख देता है, बड़े से बड़े लोगों को भी लिख देता है कुछ से कुछ कमेंट में। मोबाइल आपका है, यूट्यूब आपके फोन में है, इंटरनेट आपका है, कुछ भी लिख देते हैं, तो उससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है मुझे।
ठीक है। तो मैंने जैसा कि बताया स्टार्टिंग में कि कमेंट सारा मैं पढ़ भी नहीं पाता हूं, तो आपको लिखने से कोई फायदा होता नहीं है, एक आध तो नजर पड़ जाता है, तो वो मैं आज शेयर कर लिया आप सभी से वीडियो के बीच में ही। फिर भी ये वीडियोज में जानकारी देने के बाद भी अब वैसे वैसे नमूने आएंगे जो इस वीडियोज को नहीं देखे होंगे, तो वो लोग तो फिर कॉमेंट करेंगे ही, है ना, तो उसको रोक नहीं सकते हैं। फिर भी जानकारी के हिसाब से मैंने कोशिश किया आप सभी को बता दूं। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे, हम लोग सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए पहला बात करूंगा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस जो है आपके एग्जामिनेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कहेंगे सर कैसे? देखिए बेसिकली क्या है ना कि आपका प्रिपरेशन करना और एग्जाम में सेलेक्ट होना वो आपके लिए गोल है, आपके लिए लक्ष्य है। तो लक्ष्य को देखना, वो देखने के लिए आपका दो चीज होना चाहिए, सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये दोनों गाड़ी के हेडलाइट की तरह काम करता है, जिससे आपका लक्ष्य पूरा क्लियरली दिखता है, विजिबल रहता है। तो ये दोनों चीजें आपके टेबल पे तो होना ही चाहिए। तो दोनों ही चीजें मैं आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूं। देखिए अगर आप लोग खुद से इंटरनेट पे सर्च करते होंगे IOCL जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं आता होगा, और अगर एक का दुक्का वेबसाइट आता भी होगा तो देखते होंगे वो भी अपने आप में एक नमूना ही वेबसाइट है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करेंगे दूसरे एग्जाम का क्वेश्चन खुल जाएगा। झूठ मूठ का नाम दिया हुआ रहता है क्या कि IOCL का ये पेपर है, लेकिन वो एग्जामिनेशन को क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो रहेगा दूसरे किसी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर को अपलोड करके उसको कर रहे हैं, यानी बेवकूफ बना रहा है वेबसाइट वाला भी। तो हर एक जगह पे, हर एक वेबसाइट पे भी आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो आप लोगों को बेसिकली ट्रस्टेड जगह से, कहां से बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करनी चाहिए, कहां से सैंपल पेपर को देखनी चाहिए, किस तरह से लगानी चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में आज मैं बहुत ही आसान भाषा में बातें करने जा रहा हूं आप सभी के साथ। देखिए प्यारे दोस्तों, बेसिकली मेरा मिशन है कि जितने भी बच्चों को पढ़ाऊं मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, क्योंकि आप लोगों के दुआ से एसकी ट्यूटोरियल ग्रो करेगा, ठीक है। और मेरा भी मोटो है कि आप सभी से जेन्युइनली बेसिकली कनेक्ट हो सकूं और आप सबके जेन्युइनली मदद कर सकूं। तो इस वजह से मैं भी अपना पूरा 100% देने का कोशिश करता हूं। हमने और हमारी टीम ने सैंपल पेपर को क्रिएट किया है IOCL एग्जामिनेशंस के लिए स्पेशली, क्योंकि मैं जानता हूं समय कम है इस एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करने के लिए। इस वजह से हमने और हमारी टीम ने पूरा झोंक दिया है खुद को इस एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस करवाने के लिए आप सभी का। अगर आप लोग ईमानदारी से अच्छे से प्रिपरेशंस करेंगे तो सिलेक्शन निश्चित है, अगर ईमानदारी से प्रिपरेशंस अच्छे से करेंगे तो। हां कुछ नमूने हमारे पेड बैच में भी मिल जाते हैं। पूरा क्लासेस को अच्छे से करेंगे नहीं, पूरा पीडीएफ नोट्स को अच्छे से करेंगे नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाएंगे नहीं, सैंपल पेपर को लगाएंगे नहीं, और एग्जामिनेशंस देकर के जब आएंगे कहेंगे सर आप जो पढ़ाए थे उसमें एक भी क्वेश्चंस नहीं आया, एक आध तो कमेंट आप लोग ये भी देखेंगे। लेकिन जब हमारे जो बच्चे जो अच्छे से पढ़े हुए हैं या हमारी टीम ही कुछ क्वेश्चंस को देखती है, क्या हम लोगों के बैच से आए हैं कि नहीं आए हैं, पढ़ाए हुए से क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं, बोलते हैं सर आया हुआ है सर। अब ऐसा थोड़े ना है कि सब क्वेश्चन जो है डिटो सेम टू सेम आपको एग्जामिनेशंस में जो पढ़ाऊंगा वही आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। मतलब वो हो जाएगा तब तो नेक्स्ट लेवल का बातें हो जाएगी, तब तो मैं भगवान हूं, जो क्वेश्चन आने वाला है वो सारा चीजें आप सभी को मैं पहले बता दे पाऊंगा तो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट मेरा काम है एज ए टीचर आपको सही डायरेक्शन देना, सिलेबस को पूरा कंप्लीटली पढ़ाना, सिलेक्शन का एश्योरिटी करना नहीं, वो किसी के भी हाथ में नहीं है। आप मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, सिलेक्शंस होगा या नहीं होगा वो एग्जाम में बहुत सारे सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल कैसा आया था, ये सभी चीजें। हवाबाजी करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एकदम ऑथेंटिक वे में कनेक्ट रहिए, पढ़िए, और जो सिलेबस है उसको मैं कंप्लीटली रूप से बढ़िया से पढ़ाऊंगा, जितना जरूरत है आप सभी के सिलेक्शंस के लिए, जैसे कि सैंपल पेपर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आप सभी को, जरूरी है प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस का, जरूरी है तो मैं सैंपल पेपर प्रोवाइड कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना जरूरी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रोवाइड कर रहा हूं। कहेंगे सर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहां से आएंगे ऑथेंटिक वाला, तो देखिए चूंकि मैं पिछले 9 ईयर्स से ऑफलाइन में और एज वेल एज ऑनलाइन में इधर कुछ सालों से बेसिकली हम लोग कनेक्ट हुए हैं, इसी वजह से सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम लोग ग्रो कर रहे हैं फास्टली और आप सभी का प्यार मिलते जा रहा है, हम लोग लगता है कि बहुत जल्दी ऑनलाइन में भी ग्रो करेंगे। तो कह सकते हैं हम लोग का जो पिछले वैकेंसी आया था IOCL का, उसमें कुछ स्टूडेंट ने एग्जामिनेशंस को दिया था, तो पहले एग्जामिनेशंस के ऑफलाइन हुआ करते थे, तो बेसिकली हालांकि क्वेश्चंस भी ऑफलाइन में भी ले लिया जाता है बहुत जगह बहुत एग्जामिनेशंस में, जैसे भी हाल फिलहाल में NFL एग्जामिनेशंस हुआ था, क्वेश्चन ऑफलाइन भी हुआ, क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन उन्हें देता है ले जाने के लिए। तो मेरे जो बच्चे हैं जो पिछले एग्जामिनेशंस को दिए हैं, वो लोग अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ क्वेश्चंस किसी किसी बच्चों को याद था, कुछ कुछ ने बताया कि सर ये टॉपिक पढ़ाना जरूरी है, यहां से
ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने और हमारी टीम ने मिलकर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, यानी कि टेंटेटिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कह लीजिए, लगभग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है हम लोगों के पास भी, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर IOCL में जो पूछे गए हैं स्पेशली, उसका हम लोगों ने तैयार किया है, वो हम लोगों के ऐप पर मिलेगा। और ऐप पर भी वो सेपरेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का फाइल नहीं है, वो जो है ना सैंपल पेपर हम लोगों ने बनाया है, सैंपल पेपर में ही हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मिक्स कर दिया है, ताकि आप लोग सैंपल पेपर सॉल्व करें तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हो जाए। तो अब मैं बेसिकली सैंपल पेपर प्रोवाइड कर रहा हूं ऐप पे, आप सभी लोगों को पता होगी बेसिकली चीजों के बारे में कि इस तरह से तीन सैंपल पेपर हैं, जैसे IOCL सैंपल पेपर आप देख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल केमिकल इंजीनियरिंग जो पेपर है आपका पोस्ट कोड 201 के लिए, बेसिकली सैंपल पेपर 1 201 के लिए है, सैंपल पेपर 2 केमिकल टेक्नोलॉजी जो बेसिकली टॉपिक होता है, सब्जेक्ट होता है, इसके बाद IOCL सैंपल पेपर केमिकल इंजीनियरिंग, ये हीट ट्रांसफर का सैंपल पेपर है। तो इस तरह से टोटल 10 सैंपल पेपर मैं टोटली प्रोवाइड करने जा रहा हूं आप सभी को, जिसमें से 4 सैंपल पेपर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं ऐप पर। तो जो कैंडिडेट ऑलरेडी इनरोलमेंट ले चुके हैं वो लोग तो बेसिकली क्या कर सकते हैं, वो लोग सॉल्व कर रहे हैं सैंपल पेपर को, आराम से पढ़िए और उसको सॉल्व करिए। और ये चीजें कैसे अपलोड हो रही है, जैसे ही कोई भी टॉपिक की पढ़ाई होती है, जैसे कि हीट ट्रांसफर टॉपिक मान के चलिए हमने पढ़ा दिया, अब ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, तो हीट ट्रांसफर से रिलेटेड मैंने सारे MCQ क्वेश्चंस, जितना 75 हो सकते हैं, 75 MCQ क्वेश्चंस जो कि टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ questions हो और जो कि प्रीवियस ईयर में भी इस टॉपिक से questions पूछे गए हैं IOCL examinations में especially, उसको हमने sample paper में डाल दिया है। और आप लोग उस यानी कि कह सकते हैं topic wise sample paper अभी मैं provide कर रहा हूं। heat transfer पढ़े तो heat transfer से related सारा MCQ questions के मतलब sample paper के रूप में मिल गया। अगर आपने chemical technology topic को पढ़ा है तो उससे related MCQ questions के format में आपको sample paper मिल जाएंगे। तो इस तरह से topic wise पहले total जो है हम लोगों का, अगर आप syllabus देखेंगे इसका, मैं दिखाना चाहूंगा आप सभी को सिलेबस, तो केमिकल इंजीनियरिंग का अगर मैं बात करूं 201 पोस्ट कोड का, तो इसमें टोटल 8 पोस्ट है। कितना पोस्ट है? 8 पोस्ट है। प्रोसेस कैलकुलेशन एंड थर्मोडायनामिक्स, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, हीट ट्रांसफर, केमिकल टेक्नोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मैकेनिकल ऑपरेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, और प्लांट साइंस डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स, और मास ट्रांसफर। ये टोटल 8 टॉपिक्स है। तो 8 टॉपिक के 8 वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे पूरा कंप्लीट रूप से, चाहे वो वीडियो लेक्चर्स 1 घंटा का हो, 2 घंटा का हो, जितना भी देर का हो, लेकिन पूरा एक ही एपिसोड मिलेंगे ये सारे टॉपिक्स के, यानी कि 8 लेक्चर्स 8 टॉपिक खत्म। इसके बाद 8 मॉक टेस्ट यानी कि सैंपल पेपर मिलेंगे सभी टॉपिक वाइज एक-एक ठो, ठीक है। इसके बाद लास्ट में 2 सैंपल पेपर मिलेगा जो कि कंप्लीट फुल लेंथ कह सकते हैं सैंपल पेपर होगा, जो कि सभी टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए गए रहेंगे, 10-10 5-5 ऐसे करके क्वेश्चंस उठाए गए रहेंगे। तो टोटल क्वेश्चंस करके 75 क्वेश्चन बनाया जाएगा और 25 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल का आप सभी को पता है, 15 क्वेश्चन उसमें से जनरल एप्टीट्यूड का आता है जो कि मैथमेटिक्स रीजनिंग का कॉम्बिनेशन रहता है, और 15 क्वेश्चन जो रहेगा आपका वो बेसिकली जनरल अवेयरनेस का रहेगा, आप सभी को पता है। तो इस तरह से हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न को फॉलो करके अच्छे से बेसिकली सैंपल पेपर को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप लोग ये सैंपल पेपर को अच्छे से सॉल्व करते हैं तो इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हो गया। आप टॉपिक वाइज MCQ क्वेश्चंस को अच्छे से लगा रहे हैं तो टॉपिक से बाहर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैंने सभी टॉपिक्स को पढ़ा दिया है, पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स को दिया है, इसके बावजूद भी सैंपल पेपर जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं मे बी एकाध क्वेश्चन सैंपल पेपर से बाहर से रहेंगे क्वेश्चंस। जरूरी थोड़े ना है कि इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, एक टॉपिक से हजारों MCQ क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमने तो टॉप मोस्ट 75 MCQ क्वेश्चंस को डाला है जो कि इंक्लूडेड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इस सैंपल पेपर के अंदर में। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन अपने स्तर पे अच्छे से बेसिकली आप एकाध बार लेक्चर को भी देख लिया करिएगा कंप्लीटली जो भी लेक्चर्स अपलोड होते हैं ऐप पर क्लासेस में। ये है बेसिकली अच्छे से स्ट्रेटेजी, है ना। और जैसा कि मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस दोनों आपके गाड़ी के हेडलाइट के तरह काम करता है, और पूरा क्लियरली आपको गोल, आपका लक्ष्य पूरा क्लियरली निर्धारित रूप से दिखता है जो भी आपने निर्धारण किया है लक्ष्य का, कि
एक जनरेशन में सिलेक्शन लेनी है तो वो चीजों को आपको देखनी होगी, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो फिर दिक्कत वाली बातें हैं। और सिर्फ देखनी ही नहीं है, जैसे कि हमने अभी दिखाया आप सभी को कि सिलेबस जो था बेसिकली टोटल उसमें 8 टॉपिक हैं केमिकल इंजीनियरिंग वाला में, और जिसके लिए बीएससी वाले भी एलिजिबल हैं, यानी कि प्रोडक्शन जो है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन के लिए। इसमें सबसे ज्यादा मतलब वैकेंसी जो है 198 पोस्ट के लिए वैकेंसी जो है इस वजह से। अब देखिए मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्या कि बेसिकली इस पोस्ट के लिए चूंकि एक्सपीरियंस मांग दी गई है तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे ही फिल्टर हो गए हैं। फ्रेशर्स तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर नहीं सकते हैं, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉर्मल बेरोजगार थे, अनएम्प्लॉयड थे, वो भी एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। मैक्सिमम एजेड भी हैं लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी वो एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो यानी कि आपको भीड़ से ऑलरेडी आप हट चुके हैं, फिल्टर हो चुका है भीड़ आपसे, ठीक है। तो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट ही सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए, यानी कि कॉम्पिटिशन क्या होने वाला है, बहुत ही कम रहने वाला है आप सभी के साथ। लेकिन ये नहीं भूलिएगा कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से है, कॉम्पिटिशन कम रहे या ज्यादा रहे कॉम्पिटिशन ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी अगर आप तुलना करेंगे एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन से, अगर आप तुलना करेंगे रेलवे का एनटीपीसी एग्जामिनेशन से। तो ये जो एग्जामिनेशन होगा इस पोस्ट के लिए बेसिकली कह सकते हैं, या फिर रिफाइनरीज डिवीजन में जितने भी पोस्ट हैं, क्योंकि सबके लिए एक्सपीरियंस मांगी गई है 1 ईयर का मिनिमम, है ना, और मैक्सिमम शायद 2 ईयर के लिए भी कुछ कुछ पोस्ट के लिए है, या 1 ईयर का ही है सब कुछ। एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से आप लोग भी देख लीजिएगा, अलग अलग एग्जामिनेशन के वैकेंसीज वाले वीडियोस को बनाते रहता हूं तो उतना माइंड में नहीं रहता है, सभी नोटिफिकेशंस को याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर क्लासेस भी लेनी होती है इस वजह से। तो फिलहाल आई थिंक मुझे जहां तक पता है सभी पोस्ट के लिए रिफाइनरी डिवीजन में मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि एक्सपीरियंस के वजह से बहुत सारे कैंडिडेट छट जाएंगे, और आप लोगों के को जानकर के बहुत आश्चर्य होगा कि इसका प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ गया था पिछले साल वो 40 नंबर गया था इसका कट ऑफ। सुन करके आश्चर्य लग रहा होगा, 100 नंबर में मात्र 40 नंबर जो बच्चों का आया था वो सिलेक्शन ले लिए थे, यानी कि क्योंकि कैंडिडेट कम हो पाते हैं, ज़्यादा नहीं हो पाते तो कट ऑफ कम हो जाता है ना, तो इस वजह से। तो मान के चलते हैं थोड़ा सा समय बदला, युग बदला, जमाना बदला, बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ा देश का, तो कह सकते हैं कि इस बार थोड़ा बहुत ज्यादा जा सकता है। तो मान लीजिए आपको 50 से 60 के बीच में तो सियोरिटी के साथ आपको अच्छे से लानी है, और चूंकि लानी क्या है इस एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, और निगेटिव मार्किंग जब नहीं है तो फिर दिक्कत क्या है, सारे क्वेश्चंस में एकदम लगा करके आएंगे, तुक्का सही तो तुक्का ही, नहीं तो जब जानेंगे क्वेश्चंस को तो सब 100 क्वेश्चंस को भी बना करके आ पाएंगे, सॉल्व करके आएंगे 100 क्वेश्चंस को। लेकिन इसके बावजूद भी क्वेश्चंस का चूंकि इतना थोड़ा सा कभी कभी अवेयरनेस कम है ना, यूट्यूब पे भी आप देखेंगे तो केमिकल इंजीनियरिंग या फिर IOCL एग्जामिनेशंस को बेसिकली टारगेट करने वाला बहुत सारे यूट्यूब चैनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा नहीं है तो प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी रहती है, तो बहुत सारे कैंडिडेट बिना तैयारी का, बिना प्रिपरेशन का चले जाते हैं, और एग्जामिनेशन देने जब जाते हैं तो बिना प्रिपरेशन का जब जाएंगे तो बेसिक क्वेश्चंस भी उनको लगता है कि ये क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके वजह से वो तुक्का भी मार के आते हैं तो गलत मार के आते हैं, जिसके वजह से कट ऑफ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन इस साल ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट एक्टिव हैं और वो सीरियसली प्रिपरेशन को कर रहे हैं, और सीरियसली चूंकि प्रिपरेशन को कर रहे हैं तो वो अच्छे अच्छे लोगों के पास, जो कि जिसको जरूरत है कंटेंट का, उसके पास जो है कंटेंट की रीच बढ़ रही है, वो लोगों को कंटेंट मिल रहा है, वो हमारे एसके ट्यूटोरियल चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे ऐप पर जुड़ करके पूरा अच्छे से कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, वो सैंपल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो टेस्ट ले रहे हैं खुद से, वो टॉपिक को पढ़ रहे हैं। कॉम्पिटिशन आपका उससे है, ना कि उससे कॉम्पिटिशन है जो लोग सिर्फ फॉर्म भर करके बस हुआ है, उससे कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन किससे है रियल में? जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहा है, जो लाइब्रेरी में बैठ करके इस एग्जामिनेशंस को भी टारगेट करके बढ़िया से मेहनत कर रहा है। और भी एग्जामिनेशंस तो दे ही रहे थे, जैसे कि HPCL का, जैसे कि NFL अभी हाल फिलहाल में हुआ है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट नोटिफिकेशन आया था, कुछ लोग सेल एग्जामिनेशंस को भी हाल फिलहाल में दिए हुए थे। तो अलग अलग एग्जामिनेशंस को तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रिपरेशंस करने के साथ साथ इस एग्जामिनेशंस को भी टारगेट कर लिए, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनको कि मतलब कह सकते हैं प्रिपरेशन का भी बेसिकली पंचवर्षीय योजना हो चुकी है।
लगभग में प्रिपरेशन करते हुए, है ना, तो वो लोगों से भी आपका कंपटीशन है क्योंकि नॉलेज उनके पास बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो बेसिकली अलग अलग जनरेशन को दे देके एक्सपीरियंस को गैदर कर लिए हैं। मेरा मकसद आपको डिमोटिवेट करना नहीं है, बस जस्ट मैं जगा रहा हूं आप लोगों को कि बेसिकली आप ये नहीं समझिएगा कंपटीशन साफ नहीं होगा, कंपटीशन तो है ही, लेकिन उस कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करनी होगी। अगर आप बेसिकली स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, सिंपल में अच्छे से सिलेबस को पूरा कंप्लीट करते हैं, अगर आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाते हैं, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो कह सकते हैं सिलेक्शन आपसे बहुत दूर नहीं है। अगर आप सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने आप को रख करके अच्छे से एक महीना अच्छे से डेडिकेटेड वे में प्रिपरेशन को देते हैं, तो ये एक ऐसा जॉब है जिसमें बेसिकली या तो सिलेक्शन या तो रिजेक्शन सीधा क्लियरिटी के साथ आपको पता चलेगी। और ये बहुत ही क्विक प्रोसेस है क्योंकि आप सभी को पता है इसका एग्जामिनेशन जो है वो सितंबर में होंगे, रिजल्ट इसका अक्टूबर में रिलीज होगा जैसा नोटिफिकेशन में चर्चा की गई है, या फिर इसके बाद फिर सेकेंड स्टेज के बुलाया जाएगा। सेकेंड स्टेज जो होता है वो बेसिकली कह सकते हैं स्किल टेस्ट लेंगे वो लोग, तो एक पोस्ट के लिए दो कैंडिडेट को वो लोग बुलाते हैं, ठीक है, उसमें से भी वहां से भी एक लोगों को रिजेक्ट करते हैं। तो एक पोस्ट के लिए कितने लोगों को बुलाया गया, दो कैंडिडेट को बुलाया जाता है, और इसके बाद फाइनली, तो मान सकते हैं अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा इस वैकेंसी का तो दिसंबर या जनवरी तक में आप लोग ज्वाइन भी कर लीजिएगा इस मतलब IOCL में, है ना, सब कुछ अच्छे से होते हो गया तो, ठीक है। तो जिस तरह से फास्टली सब चीज हो रही है इस वैकेंसीज में, एक हमने NFL में देखा था बहुत फास्टली सभी चीजें हुआ, एग्जामिनेशंस भी, एडमिट कार्ड, आंसर की, सब कुछ टाइम पे एकदम रिलीज होते जा रहा है। और दूसरा हमने देखा इसमें, ठीक है, सेल वाला में हो रहा था, एडमिट कार्ड रिलीज हुआ, एग्जामिनेशंस फटाफट से हो गए, और आंसर की भी रिलीज हो गए, स्किल टेस्ट भी हो गए, अब रिजल्ट ही फंस गया है लास्ट में फाइनली रिजल्ट बनने के बाद। तो देखते हैं सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जनवरी तक में आप लोगों का या दिसंबर तक में सब कुछ ओके हो जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, तो इस वजह से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं हमारे बैच में ज्वाइन होकर प्रिपरेशन करने के लिए, तो अभी स्पेशल 50% का डिस्काउंट चल रहा है हमारे ऐप पे, 15 अगस्त का स्पेशल ऑफर, यानी कि 15 अगस्त के रात 12 बजे से पहले तक आपको ऑफर मिलेंगे 50% का स्पेशल डिस्काउंट। अगर आप लोग चाहते हैं बैच में इनरोलमेंट लेने के लिए, फटाफट से गूगल प्ले स्टोर से SK ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करिए और बैच में ज्वाइन होकर के अपना प्रिपरेशन की शुरुआत अच्छे से कर सकते हैं। वहां पर आपको पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेंगे, आपको PDF नोट्स मिलेंगे, आपको सैंपल पेपर मिलेंगे, आपको और भी बहुत कुछ मिलेंगे। और आपको कुछ भी पूछनी हो तो आप लोग चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपको सभी जानकारी दे दी जाएंगी। उम्मीद करते हैं सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का डाउट है, दुख तकलीफ है, समस्या है, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का सजेशन देना चाहते हैं तो डेफिनेटली दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा शब्द का चयन जो है ठीक ढंग से हो, रिक्वेस्ट फॉर्मेट में हो, सजेशन के फॉर्मेट में हो, तो वो पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है। अगर कोई ज्यादा आप डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज को यूज करते हैं तो फिर वो कमेंट मेरे पास पहुंचती ही नहीं है, वो अपने आप फिर टीम डिलीट कर देती है। तो इस चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी किसी भी तरह का। और मैं आप सभी की जानकारी के लिए यह भी बता देता हूं, अगर किसी भी तरह का कमेंट आप लोगों का सजेशन टाइप का आता है और जो लगता है कि नहीं सच में हम लोगों को इंप्रूव करनी चाहिए वो चीजों को, सच में हम लोगों में वो चीजें का रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायर्ड है कि वो चीज को हम लोग को इंप्रूव करना जरूरी है, तो डेफिनेटली आपके कमेंट को बेसिकली हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश में पूरा लग जाते हैं, उसको इम्प्रूव करते भी हैं, ठीक है। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में, बस इतना ही। सैंपल पेपर को अच्छे से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसी में इंक्लूडेड है, उसको भी अच्छे से सॉल्व करिए, ये सब कुछ मिल जाएंगे आपको SK ट्यूटोरियल ऐप पर, ठीक है। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में, बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में एक बहुत ही नए एनर्जेटिक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए आज के इस वीडियोज में बस इतना ही। धन्यवाद।